नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद की अनाज मंडी में लगी गेहूं की ढेरियां, लोडिंग प्रक्रिया भी धीमी, लेबर की कमी के चलते ये प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बाहर खुले में रखी भारी मात्रा में गेहूं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। जहाँ गेहूं की आवक अपने चरम पर है, वहीं बार बार बदल रहे मौसम के कारण किसानों की चिंता भी लाजमी है। वे अपनी फसलों को अनाज मंडी में लाने लगे हैं, मगर मंडी में इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई, जो कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन के कारण लेबर की कमी है, और जिससे गेहूं का उठान भी नहीं हो पा रहा। वहीं इस बार लोडिंग में लगी गाड़ियों की संख्या भी कम बताई जा रही है। यहाँ पर आए किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन सही तरीके से अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा। बार बार बदलता मौसम और उनके गेहूं जो फिलहाल खुले में पड़े हैं, इसके कारण किसानों की चिंता कम होने की बजाय बढ़ रही है। इनका कहना है कि कोरोना के कारण लेबर का अभाव है, जिस कारण उनकी फसलों का उठान नहीं हो पा रहा। वहीं दुकानदार आढ़तियों ने अपनी फसलों को मौसम से बचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए। किसानों ने मंडी प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी में आने वाले किसान, व्यापारी और गाड़ी चालकों तथा मजदूरों को कहीं पर भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, कहीं पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा मंडी में बने पानी की प्याऊ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है, और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हर जगह उड़ाई जा रही है। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। के हिसाब से यहां पर कोई सुविधा नहीं मिल रही। पेयजल जो है वही मजदूर पी रहे हैं पानी, वही सारी लेबर पी रही है। दूसरी बात ये, जब हम गेट पर आते हैं तो गेट कीपर बैठे नहीं मिलते, ना वहाँ पर सैनिटाइज है। दूसरा, इस गेट पर आते हैं तो वो कहते हैं कूपन आपको मिलेगा एक नंबर गेट पर। किसान धक्के खा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट कमेटी का कोई अधिकारी नहीं आता, बिल्कुल कोई किसानों की गौर नहीं है। जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। एक वाटर कूलर है, उसके ऊपर भीड़ लगी रहती है, और कोई सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है। ढकौसला है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। एक वाटर कूलर है, उसके ऊपर यहाँ कम से कम 100 जिम्मेदार ट्राली ले जाते हैं, 100-200 लेबर वाले हो जाते हैं, क्यों एक दुकान के ऊपर कम से कम 10-15 लेबर वाले हैं, तो यहाँ भीड़ लगी रहती है। चाय का कोई इंतजाम नहीं है, चाय कहाँ से लें, चाय बताओ। हम 10-10 किलोमीटर थर्मोस में डालकर किसान चाय ले आता है, ऐसे पार थोड़ी पड़ती है। एक ये जो कैंटीन है, किसान कैंटीन जो है बनाई हुई है, इसमें खाना कैसे मिल रहा है? इसमें हमने एक दिन खाना खाया था जी, 4 फुलके, 2 सब्जी, साफ सुथरी है, और 10 रुपए लेते हैं। उस दिन तो कोई लेडीज की मीटिंग। अच्छा, तो अब फ्री खाना दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था ठीक है। और जैसे मान लो अगर बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो जाती है तो आपकी जो डेयरियों को ढकने के लिए तिरपाल वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है? तिरपाल एक भी नहीं है, मंडी के अंदर आके देख लियो, कोई तिरपाल का प्रबंध नहीं है। मार्केट कमेटी की तरफ से हमारे को कोई सहायता नहीं मिल रही। सेक्रेटरी सारा दिन एसी कमरे में सुत्या रहता है, कोई किसानों को गौर नहीं करता, बल्कि सारा दिन किसानों के उसके साथ है। ये जो कूपन देते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें वो सारे दिन गड़बड़ करते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं किसान क्लब, जिला किसान क्लब फतेहाबाद का प्रधान हूँ। मेरा नाम बलवीर सिंह गढ़वाल, गाँव दौलतपुर से।